Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends. Welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, मैं बागीचे में जाया करता था. तुम मेरे घर आया करते थे. मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे. इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी चल रहा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको, तो आज हम पढ़ाएंगे यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम एक इसके हम पहले ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. ठीक है, तो जब सेंटेंस के अंत में या करता था, या करती थी, या करते थे, या सिर्फ ता था, ते थी, अगर आएगा ऐसा, ते थे, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज्ड टू लगाकर बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सेंटेंस लेते हैं. हम लोग उस बागीचे में जाया करते थे. हम लोग उस बागीचे में जाया करते थे, मतलब ये सेंटेंस ये बताता है कि हम लोग अक्सर वहाँ जाया करते थे. मीन्स रोजाना का काम था हमारा, जाया करते थे. ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम बनाएंगे. वी यूज्ड टू गो टू दैट गार्डन. वह मुझे पढ़ाया करता था, या सिर्फ हम पढ़ाता था ऐसा भी बोलेंगे तो भी इस सेंटेंस को इसी तरह से बनाएंगे. पढ़ाता था, वह मुझे पढ़ाता था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वह मुझे पढ़ाता था. मीन्स पढ़ाने का काम करता था या पढ़ाया करता था, सेम थिंग हुआ. तो ही यूज्ड टू टीच मी, मैं चाय पीता था, या इसको हम पिया करता था. मैं चाय पीता था या मैं चाय पिया करता था, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, इसलिए हम इसका इंग्लिश एक ही बनाएंगे. आई यूज्ड टू टेक टी. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करके बनाएंगे इसका इंग्लिश. ठीक है फ्रेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है. आप ये मत सोचना कि कौन से टेंस का सेंटेंसेस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज्ड टू लगाकर ही बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि किस तरह से बनता है. वह स्कूल नहीं जाया करता था, वह स्कूल नहीं जाया करता था, या वह स्कूल नहीं जाता था, सेम हुआ. तो इसका नेगेटिव बनाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि ही डिड
not use to go to school. यहाँ पर हमने did लगाया, जैसा कि past indefinite tense का नियम है, जो formula है कि negative, interrogative और question और में हम did लगाते हैं और फिर verb का first form का use करते हैं. तो इसमें भी same thing है, इसमें used लगाते थे हम, तो यहाँ पर use लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करना है. अब इंट्रोगेटिव, क्या तुम चाय पीते थे? डिड यू यूज टू टेक टी? ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसमें नेगेटिव भी लेंगे, क्या तुम चाय नहीं पीते थे, क्या तुम चाय नहीं पीते थे, तो डिड यू नॉट यूज टू टेक टी? इसका हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर नॉट यहाँ पे लगाते हैं तो डिडंट हो जाएगा. डिडंट यू यूज टू टेक टी? ठीक है फ्रेंड, तो यह है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अभी हम क्वेश्चन नोट का सेंटेंस लेंगे. वह तुम्हारे यहाँ क्यों आता था? वह तुम्हारे यहाँ क्यों आता था, या वह तुम्हारे वहाँ क्यों आया करता था, सेम हुआ. तो व्हाई डिड ही यूज टू कम टू यू? तुम लोग कहाँ खेला करते थे? तुम लोग कहाँ खेला करते थे? तो वेयर डिड यू यूज टू प्ले? वेयर डिड यू यूज टू प्ले? तुम्हें कौन पढ़ाता था? तो हु, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कौन आए, सब्जेक्ट में कौन आए, तो वहाँ पर हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, यहाँ पे तो खुद ही एक क्वेश्चन वर्ड ही हो जाता है कि कौन पढ़ाता था. तो यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. तो हु यूज्ड टू टीच यू? हु यूज्ड टू टीच यू? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था यूज ऑफ यूज्ड टू. सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे या करता था, या करते थे, या करते थी, करती थी, या करता था, इस तरह का सेंटेंस आता है, या सिर्फ ता था, ते थी, ती थी, ते थे, ता था, इस तरह का आता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज टू लगाकर बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम यूज टू का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स हमारे नए हैं हमारे चैनल पे, या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद.